जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बात करें महात्मा गांधी जी का भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, और इसी के तहत हमने बात की थी दांडी मार्च की। कल हमने बात की थी दांडी मार्च की, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया, और इसी के साथ भारत में एक नया आंदोलन शुरू हो गया था। इस आंदोलन का नाम था भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखते हैं इसकी प्रकृति और नेचर के बारे में। पहले तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, अब किया था सविनय। सविनय, सविनय का मतलब है विनम्रता पूर्वक अवज्ञा करना, अंग्रेजों की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। यह था महात्मा गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और इसी के साथ महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के तहत वही कार्यक्रम हुए थे जैसा असहयोग आंदोलन में हुआ था, कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, दूसरा था स्वदेशी वस्तुएं अपनाना, स्वदेशी वस्तुएं अपनाना, तीसरा था शराब की दुकानों पर धरना देना, शराब की दुकानों पर धरना देना, इसके बाद अगला था सरकारी नौकरियां छोड़ना, उपाधियां त्यागना, साथ ही विद्यालयों का बहिष्कार करना, विद्यालय छोड़ना। ये कार्यक्रम जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक बार फिर दोहराए गए थे, जैसा कि असहयोग आंदोलन में दोहराए गए थे। इस प्रकार से महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन भारत में पूर्णतः फैल चुका था, और अब इस प्रकार से यह आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था, तब भारत के वाइसराय, जिनका नाम मैंने पहले भी आपको बताया था, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन भारत के जो गवर्नर हुआ करते थे, वाइसराय थे, इन्होंने, इनको जो है डर था कि कहीं महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन अंग्रेजों की सत्ता समाप्त नहीं कर दे, तो इन्होंने महात्मा गांधी जी के पास में समाचार भेजा कि मैं आप लोगों के साथ समझौता करना चाहता हूँ। तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते को हम लोग भारत के इतिहास में गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता। अब ये गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता जो है कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर ये शर्तें रखी गई थी कि गांधी जी या कांग्रेस अपना आंदोलन बंद कर देगी, और साथ ही गांधी जी की 11 जो मांगे थी वो मांगे अंग्रेजी सरकार मांगेगी, अंग्रेजी सरकार मानेगी, ये शर्तें रखी गई थी। अब इसके अंदर ये था कि इन मांगों की स्वीकृति के लिए, इनकी पुष्टि के लिए लंदन जाना था, और महात्मा गांधी जी को
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना पड़ा। अब महात्मा गांधी जी जिस जहाज में गए थे जिसका नाम था राजपूताना, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय भी यहाँ इनके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए, भीमराव अंबेडकर भी हुए और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो लंदन में आयोजित हुआ। लेकिन कांग्रेस के कांग्रेस के पूर्ण सहमति के कारण, पूर्ण सहमति न होने के कारण ये गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ और महात्मा गांधी जी को निराश होकर वापस भारत लौटना पड़ा। इसी समय लंदन के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था चर्चिल। चर्चिल एक अंग्रेज अधिकारी था। इस अंग्रेज अधिकारी चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का ये जो गोलमेज सम्मेलन में जो जाना था वो असफल हो गया और वो निराश होकर भारत लौट आए। और इस प्रकार से महात्मा गांधी जी जब भारत आए तो सन 1932 के अंदर पुणे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लेकिन असफलता की बात यह है कि धीरे यह आंदोलन पुनः स्वतः ही समाप्त हो गया। तो यह महात्मा गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस प्रकार से हम आगे देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जो है भारत के अंदर जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के अंदर एक नया अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम का नाम था सांप्रदायिक पंचाट। याद रखिएगा, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट या इसको कह सकते हैं हम लोग कम्युनल अवार्ड ये जारी किया था 16 अगस्त 1932 को। आपको पूछ लिया जाए कि सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड भारत में कब लागू हुआ? 16 अगस्त 1932 को। और इसको लागू करने वाले थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के अंदर सांप्रदायिक पंचाट लागू किया। अब यह सांप्रदायिक पंचाट था क्या? सांप्रदायिक पंचाट यह था कि जो दलित वर्ग हैं भारत में, दलित वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग, दलित वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग, इनको इनका पृथक निर्वाचन, इनका अलग चुनाव होना था। इस कारण से इसका जो है भारत के अंदर विरोध हुआ कि महात्मा गांधी जी को ऐसा लगा कि इस प्रकार इस कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट से भारत के समाज को अंग्रेज तोड़ना चाहते हैं, अमीर वर्ग को अलग करना चाहते हैं, मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, ईसाइयों को अलग करना, सिखों को, बौद्धों को अलग करना चाहते हैं और दलितों को अलग करना चाहते हैं और संपूर्ण भारत की शक्ति को ये तोड़ना चाहते हैं। तब इस समय महात्मा गांधी जी जो थे वो यरवदा जेल में बंदी थे और यरवदा जेल के अंदर 20 सितंबर सन 1932 को महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन मतलब इन्होंने भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में प्रारंभ कर दी। तब 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर ने मिलकर महात्मा गांधी जी से बातचीत की तो मदन मोहन मालवीय की जो है बीच से महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को पूछ ले कि पूना पैक्ट कब हुआ था या पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था।
इसके अंदर क्या हुआ था कि दलित वर्ग की जो 71 सीटें थी आपके केंद्रीय असेंबली में, तो इसको बढ़ा करके 148 सीटें कर दी गई, और साथ ही आपके केंद्रीय विधानमंडल के अंदर जो है 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। 18% सीटें केंद्रीय विधानमंडल के अंदर जो है दलित के लिए आरक्षित कर दी गई। तो इस प्रकार का यह समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसको हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। आज हम इस क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय व्यतीत हो, ऐसी हम सभी लोग कामना करते हैं।